हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो है जो कि बिगनर्स के लिए है, और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमें आईलाइनर है जो वो कैसे लगाना चाहिए और उसको कैसे लगाना सीखना चाहिए। क्योंकि बिगनर्स है तो उसको आईलाइनर लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसके जो हाथ होते हैं वह थोड़े उनके अंदर कंपन होता है। तो हमें इस कंपन को कैसे रोकना है और एक परफेक्ट आईलाइनर है जो कि कैसे लगाना है, तो मैं आज इसी के बारे में डिस्कस करूंगी कि हमें इसको कैसे कैसे सीखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक आईलाइनर लेना होता है। मैं जैसे कि आपको प्रेफर करूंगी कि आप मोस्टली है इसके लिए एक जो ब्रश वाला आईलाइनर होता है वो लीजिए, क्योंकि वो इजीली अप्लाई हो जाता है हमारी आईज़ के ऊपर भी और हमारी प्रैक्टिस करने के लिए भी वो अच्छा रहता है। और ये नहीं है कि आप उसको जैसे कि ज़्यादा अमाउंट वाला लीजिए या फिर ब्रांडेड लीजिए, नहीं, आप नॉर्मल भी इसके लिए ले सकते हैं। अगर आप अपनी आईज़ के ऊपर जैसे कि कहीं पर जाना है फंक्शन वगैरह में, तो आप एक अच्छा आईलाइनर लीजिए। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए आप कोई भी सस्ते वाला भी आईलाइनर ले सकते हैं। तो जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि मैंने ये वाला आईलाइनर लिया है, मैं इसे केवल प्रैक्टिस करूँगी। जब आप प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे और आपका जो हाथ है वह कंपन करना बंद हो जाएगा, उसके बाद आप अपना ये आईलाइनर है वो आईज़ के ऊपर अप्लाई कीजिए। उसके बाद क्या होगा कि आपको अपनी आईज़ के ऊपर अप्लाई करना अच्छे से आ जाएगा, और जब आप अपनी आईज़ के ऊपर अच्छे से अप्लाई करना सीख जाओगे तो उसके बाद आप अपनी सिस्टर या फिर फ्रेंड्स की आईज़ के ऊपर भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप सस्ते वाला आईलाइनर है जो कि वो भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी आईज़ के ऊपर या फिर अपने दोस्तों की फ्रेंड सर्कल में और या फिर अपनी सिस्टर की आईज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो आप एक अच्छी ब्रांड का है जो आईलाइनर लीजिए और वाटरप्रूफ लीजिए। क्या होगा कि अगर आप आईलाइनर लगाएंगे और वो अच्छे से लगेगा तो आपकी है जो कि उतनी ही ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आपके आईलाइनर लगाने में हो जाएगी, मतलब आपकी जो वो है प्रैक्टिस है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपको आईलाइनर है जो कि लगाना अच्छे से आ जाएगा। और मैं आपको बताती हूँ कि हमें प्रैक्टिस इस वाले से कर सकते हैं। और जैसे कि हमें इसके लिए सबसे पहले एक कॉपी लेनी होती है, उसके ऊपर हमें जैसे कि अपनी आईज़ के ऊपर है जैसे कि लगाते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी कॉपी के अंदर भी वैसे ही हमें ड्रॉ करना होता है। और जब आप उसके ऊपर ड्रॉ करोगे तो आपका जो हाथ है वह धीरे धीरे से क्या होगा, पहले तो आपके कुछ टाइम तो आपसे क्लियरिटी में नहीं बनेगा, लेकिन जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे इसकी तो आप देखोगे कि जो आपने पहले किया था, और मतलब जैसे कि अगर आप एक पेज के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आप देखोगे कि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में अप्लाई किया था और जब हम उसके एंडिंग में आ जाते हैं तो हमारी प्रैक्टिस करते वक्त है जो कि वो कितनी क्लियरिटी उसके अंदर आ जाती है। और ऐसे ही आपको अप्लाई करना, सबसे पहले आपको एक साइड की जैसे कि आईज होती है हमारी लेफ्ट राइट, उसी प्रकार हमें जो पेज के ऊपर भी वैसे ही ड्रॉ करके देखनी है। पहले हमें राइट साइड की और फिर लेफ्ट साइड की देखनी है, और उसके बाद जब आप दोनों की साइड बनाना सीख जाओगे उसके बाद आप एक ही पेज के ऊपर पहले जैसे कि लेफ्ट की और फिर राइट की बना के देखिए। इससे क्या होगा कि आपका जो हाथ है वह प्रॉपर है जो कि बैठ जाएगा और उसके आपके हाथ में है जो कि एक अच्छी सी क्लियरिटी है जो कि आईलाइनर लगाने में आ जाएगी। और मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैंने जैसे कि प्रैक्टिस की थी, तो मैं ये दिखा रही हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में ऐसे प्रैक्टिस अपने की थी, अपनी कॉपी ली थी और उसके ऊपर मैं अपनी ऐसे प्रैक्टिस करती थी। सबसे पहले मैंने देखे हैं कि इस साइड वाले आईज़ हैं जो कि जैसे हमारी आईज़ के ऊपर है जो कि हम बनाते हैं, उसी प्रकार मैंने शेप है जो कि वो बनाई हुई है। और जैसे कि आप ये वाली साइड भी देख सकते हैं कि ये मैंने अपोजिट आई है जो वो उसकी बनाई हुई है। स्टार्टिंग में मेरी भी क्या थी, इतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस है जो कि मैं करती रही, उसी प्रकार है जो कि मेरे हाथ में भी है जो वो एकदम से है जो कि सफाई आनी शुरू हो गई है। और मैं अब आपको अप्लाई भी करके दिखाती हूँ कि हमें कैसे है जो कि वो अपनी कॉपी के ऊपर है जो प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो आईलाइनर की है उसके अंदर एक अच्छी सी क्लियरिटी है जो कि वो आ जाए।
देखो आप देख सकते हैं कि मेरे आईलाइनर लगाने में अब कितनी क्लियरिटी है जो कि वो आ चुकी है। और इसी प्रकार अगर आप भी डेली है जो कि प्रैक्टिस करोगे तो आपके आईलाइनर लगाने में भी अच्छी सी है जो कि क्लियरिटी आ जाएगी और आपको है जो कि एक अच्छा आईलाइनर है जो कि अपनी आईज़ के ऊपर अप्लाई करना आ जाएगा। और आपकी अगर आईलाइनर अच्छा होगा तो आपकी जो आईज़ है वो एकदम सी अट्रैक्टिव लगेगी और आप दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। जब भी आप अपनी कॉपी के ऊपर आईलाइनर लगाने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसके लिए कोई भी सस्ता सा जो आईलाइनर है वो ले सकते हैं। और गाइस जब आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कुछ बातों का है जो कि ध्यान रखना होता है। जब आप जैसे कि आईलाइनर लगाते हैं तो आईलाइनर लगाते समय हमें जैसे कि विंग्स वाला आईलाइनर है जो कि वो बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर जैसे कि चोंच है उसका भी ध्यान रखना चाहिए और यहाँ वाला एरिया हमें थोड़ा बारीक लेना चाहिए। जैसे कि और जैसे कि हम अपनी आईज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं तो बीच वाले एरिया से थोड़ा मतलब जब बीच वाला एरिया लेते हैं तो थोड़ा सा चौड़ा लेते हैं और जब एंडिंग आती है तो हम वहाँ से विंग टाइप के लिए थोड़ा सा बारीक लेते हैं। तो हमें इस बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो आईलाइनर है वह लगाते टाइम है जो कि फैले ना। और यह कब होगा, जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप का जो कि एक्स्ट्रा जैसे कि आईज़ पे लगाते टाइम क्या होता है एक्स्ट्रा फैल जाता है। तो जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो ये छोटी छोटी कमियां हैं यह बिल्कुल दूर हो जाएंगी और आप एक परफेक्ट आईलाइनर है जो कि अपनी आईज़ के ऊपर लगाने लगेंगे। और जब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप विंग्स बनाते हैं तो आप ध्यान रखिए कि बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बारीक सी लेकर जाएं और उसके बाद नीचे से ऐसे अपनी आईज़ को इसे कनेक्ट कर दें। और जब आप डेली इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो आप अपनी आईज़ के ऊपर भी अच्छे से एक अच्छा विंग है जो कि वो बनाने लगेंगे और आपकी जो आईज़ है वह एकदम है जो कि अट्रैक्टिव लगने लगेगी। लास्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम अपनी प्रैक्टिस कॉपी के ऊपर करते हैं तो हम इसके लिए एक सस्ता सा जो कि आईलाइनर है जो भी आपको सस्ता लगे वो यूज़ कर लीजिए। इसके लिए हमें कोई अच्छा वैरायटी वाले की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब हम अपनी आईज़ के ऊपर आईलाइनर अप्लाई करते हैं तो हमें एक अच्छा ब्रांडेड है जो कि या फिर एक अच्छी क्वालिटी का आईलाइनर लेना चाहिए ताकि वो हमारी आईज़ को हार्म ना करे और हमारी आईज़ को उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसे कि मैं अपनी आईज़ के ऊपर है ये वाला आईलाइनर यूज़ करता हूँ, ये है जो कि मियोन ब्रांड का है और जब मैं इसको यूज़ करती हूँ ये काफ़ी अच्छा है और ये वाटर प्रूफ भी है। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही, और मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर आपको एक अच्छा है जो कि आईलाइनर लगाना किस प्रकार सीख सकते हैं उसके बारे में बताया है। अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे इस वीडियो में और भी ज़्यादा कुछ ऐड करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप इस वीडियो से कितना सीखे उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।